आपका कब लत लग गया वाइन का, शराब का? कब पहली बार विधायक बने तब या दूसरी बार विधायक बने थे तब? पहली बार मंच पर कब डांस किए थे? नीतीश कुमार जी आपको सर कब बुलाने लगे आपको? और आप नशे में कभी कभी दिखे जाते हैं तो नीतीश कुमार जी को मालूम है या नहीं है? नीतीश कुमार जी के संघर्ष के साथी रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, पार्टी पैदा भइल तब से बनी, आज बनी। अच्छा नीतीश कुमार जी अभी आपसे कभी खफा नहीं होते हैं कि टिकट आपको नहीं दिया जाएगा पार्टी की तरफ से? नहीं तो तन खिसिया ले गो अभी गो खिसिया ले ही बात नहीं है। हाँ जी क्या खिसिया ले कबो कबो कुछ कोई कोई कुछ कह दिला तो कहले संबादू रोहन सुधार हम जी सुधार जाई। नमस्कार, आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं SEO न्यूज़। चलिए स्वागत है आपका दूसरा एपिसोड में। पहला एपिसोड हम विधायक जी के जीवनी के बारे में जान रहे थे, सर संबहादुर सिंह बिहार में सुर्खियों में रहते हैं। दूसरे एपिसोड में हम इनसे जानेंगे कब ये नृतकी के साथ ये डांस करने लगे, कब ये शराब के लत लग गया इनको जब बिहार में शुरू था, और कैसे इनका शराब का लत लगा। हम तमाम बातों पर इनसे जानेंगे और प्रकाश डालेंगे इनकी जिंदगी के बारे में। चलिए आइए। चलिए विधायक जी, अब हम मुद्दे पर आते हैं। बात साफ सुथरा है, ज़िंदगी के बारे में जब बात हो रही है तो आपका कब लत लग गया वाइन का, शराब का? कब पहली बार विधायक बने तब या दूसरी बार विधायक बने थे तब? क्योंकि सब लोग जानते हैं आपके बारे में। विधायक बने के पहले ही थोड़ा हल्का फल्का उगरा अलाउ रहे बिहार में। हाँ। हल्का फल्का लागे सात समझ में बैठ के। मतलब कि शादी के बाद लत लगा था या बैचलर थे तभी आप? नहीं, शादी के बाद। शादी के बाद लत लग गया था, उसके बाद से जब चालू था तो बिहार में आपका मतलब ज़्यादा एडिक्शन हो गया था शराब का, क्योंकि सोशल साइट पे भी चल रहा था। सही बात है ये? अब चलाए वाला के रोकी। अच्छा क्यों, मतलब क्यों वाइन लेते थे? आप एक जिम्मेदार व्यक्ति थे, विधायक थे, क्यों पीते थे आप? कुछ नहीं थे उस समय। अच्छा उस समय कुछ नहीं थे, साधारण थे। बाद में विधायक बने उस समय। विधायक बनने के बाद भी चालू था बिहार में? चालू था, चालू था तो कभी कभार हाँ हो जाता था। चलिए आप पहली बार आप मंच पर कब डांसिंग किए थे? पहली बार मंच पर आप कब डांस किए थे? कलाकारों से बड़ी लगाव रहता है आपको, आप डांस के सफर में कैसे आए? नहीं आजू बा कलाकार लोग से आजू बा ओकरा घर हुआ। मतलब जवानी में मतलब डांस किए थे या विधायक बनने के बाद से डांस किए थे? ना विधायक बनने के पहले की, विधायक बने के बहुत पहले बर बारात में कहीं आदमी जाओ अनशन फंक्शन में तो लड़का कुल कह सके विधायक तनि हो जा विधायक तनि हो जा, तो शुरू से आदमी शुरू से विधायक बनने के बाद ना। अभी विधायक बनने पर कहिए कि आपको सोशल साइट पर वायरल भी हुआ था, पिछले बार भी वायरल हुआ था डांस का, मतलब लगाव रखते हैं आप कलाकारों से? पक्का पक्का, आजूबा मरे के दिन तक रही जरा सांस रही शरीर में चले लग रहे तबले हुई, उसमें कहीं दिक्कत नहीं है। और बात है, आपके कितने पुत्र हैं आपके? हैं आपके कितने लड़के हैं? दो गो। लड़की? एगो। अच्छा कितना लोगों को शादी कर दिए अभी आप? सब लोग शादी हो गई बा। सारे लोग शादी हो गया है। एक और बात हमसे बताइए, आपका निजी आवास कहाँ है? आप तरवारा में भी रहते हैं या अपने निजी आवास पे आप रहते हैं आप? नहीं निजी आवास तो यही है, ज़्यादा यहीं रहते हैं जी। घर मेरा यहाँ से लगभग 2-3 किलोमीटर है बगल में, इलामदीपुर। अच्छा एक और बात है, नीतीश कुमार जी आपको सर कब बुलाने लगे आपको? सर आप सर के नाम से चर्चा में थे आप? इस थोड़ा कठिन सवाल बा, कहे वहाँ का कही ले कहे वहाँ का कह नहीं। मतलब कहाँ पे कहे थे पहली बार आप, तो याद होगा ना आपको? पहली बार आपको कहाँ कहे थे? तो हमारे यहाँ आए थे चुनाव में शिवधारी मोड़ नहीं है फील्ड जी, महमूदपुर जी, उसी में वहीं बोले थे। क्या बोले थे, किस बात पे बोले थे? ऐसे सर संवाद हम कहते हैं इनको प्यार से। प्यार से वहीं से सर बोलते थे आपको? अच्छा आपके जो सोशल साइट पे वायरल भी होता है और आप नशे में कभी कभी दिखे जाते हैं तो नीतीश कुमार जी को मालूम है या नहीं है? नशा में कहाँ देखल जाइले, देखल जाता नहीं बहुत पहले। अच्छा। अब नशा है कहाँ सवाल बा, देखते होंगे अब ताड़िए के पी ले दुकटिया कहे की नशा बा, चेक करो कि दारू है कि ताड़ी का, ताड़ी पर रुक नहीं घेनू, ताड़ी पर प्रतिबंध देखे नू। विरोधी तो कुछ कही, दूधो पियल जाए तो कही कि नशा बा, थोड़ा सा बीपी के रोगी हैं यूँ तो दगा बोलते हैं तारा तारा बुझात हुई पीले बनी कि ना, लेकिन लागी बीपी के रोगी के थोड़ा सा उम्र भी बहुत हो गई। यानी नीतीश कुमार जी के संघर्ष के साथी रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, पार्टी पैदा भइल तब से बनी, आज बनी। जब से हो संभलने बनी नीतीश कुमार के संग बनी। उनके घर पे गए हैं? हाँ बिल्कुल, नालंदा 10 बार।
अच्छा ये भी सुनने में आया है कि आप अपना जमीन बेचकर पार्टी को सहयोग में किए हैं जब पार्टी शुरुआत हुई थी। जमीन खाली पार्टी खातिर नहीं है, बेचाइल कुल झगड़ा झट रहे, केस फौदे रहे, बगल में विरोधी लोग रहे, मारापीटी होके, गोला गोली होके, जे लोग बनीसन बढ़िया बढ़िया लोग से मारापीटी भय रहे, तो वही जमीन बिकाइल तो लगा था कि 12-13 बीघा बगल में, यहाँ से 3 किलोमीटर बगल में मझोलिया, हाँ तड़का मिला रहे हमने के। अच्छा बिचाइल। आपका शादी कहाँ हुआ है? शादी यही नथनपुरा बगल में। नथनपुरा, तो ये तड़का में जमीन था जो कि शायद आपने पार्टी के लिए बहुत कुछ मतलब कर दिया है, सही बात है ये? वो तो तड़का मिल रहा है, हमारा मिल रहा है, हमारे को बड़का बूर वाले उनका मिल रहा है आधा आधा, मैंने 12-13 बीघा जमीन रहे, अभी वो 2 बीघा 2.5 बीघा जमीन हो जीबा है, और धीरे 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 लोग बसा दिए गए, लोग के दिया गए। विधायक बनने के बाद से कहीं आप जमीन परचेज किए हैं कि नहीं? कहीं एको इंच ना, एक इंच ना, आधा इंच ना, चैलेंज बा। ओकर दो गो चीज़ का चैलेंज बा कि बैंक में हमारा 3 पुत के खोज ले, 5000 रुपया निकल जाई तो जे कह से हमार नाम तो छोड़िए, तो अगर हमारा निकल जाता 5000 तो जे कह से कुल बसिया वाला हम काम ना कर ले सन ना। 15 में आप किस पार्टी से चुनाव लड़े थे आप? 2015 में किस पार्टी से चुनाव? हम भी अपना पार्टी से लड़ा नहीं। गठबंधन किसे था? आरजेडी से रहेगा ये। आरजेडी से था। अच्छा अब 19 आ गया है, आपका एज भी कंप्लीट हो, आपने जिंदगी में जितना मेहनत किया है क्या लगता है मेहनत का फल आपको मिला है? तो 15 साल लगातार मिले रही, 20 साल मानी ना ओकरा चुनाव वाला अपनी हर बही, 20 साल लगातार कहीं ना कहीं काम के आधार पर, कर्म के आधार पर लोग 20 साल एगो जुग हो जला, 20 साल तो मिले रहें ना कहीं। अच्छा नीतीश कुमार जी अभी आपसे कभी खफा नहीं होते हैं कि टिकट आपको नहीं दिया जाएगा पार्टी की तरफ से? वो तो हमने के पटिया, हमारे पटिया शुरू से बने तो तन खिसिया ले गो, अभी गो खिसिया ले ही बात नहीं है। हाँ जी क्या खिसिया ले कबो कबो कोई कोई कुछ कह दिला तो कहले शाम बहादुर रहन सुधार, हम जी सुधार जाए भेंट हो उनका से कबो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक बेर दो बेर। आप जब जब दरौंदा में आप मंच शेयर कर रहे थे तो आप जब कह रहे थे अपने समर्थकों से कुछ तो आपके मुख्यमंत्री बड़ी हंस रहे थे मंच पे बैठ कर। हाँ बुझे लगी सीधा कुछ बोले ला, एक अंदर को छल कपट नहीं खे, बोलनी तो सही है, बोलनी तो बात होते ना वो अब कहाँ लगाओ अब काम निकल गई, काम खत्म काम खत्म। तो अच्छा नीतीश कुमार जी के साथ आप कब तक रहेगा, जब तक आपके शरीर में जान रहेगा? आप बोलते हैं हर इंटरव्यू में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कहते बनी कि मरे के दिन तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के संग रहे, मुख्यमंत्री वहाँ का रहे तैयो आ ना रहे तैयो हम एकदम संगे बानी, रामघाट से बांस घाट ले। यानी 15 साल के उम्र में आप राजनीतिक में कदम रखे थे और 64 साल की उम्र में हो गए नीतीश कुमार के संघर्ष के साथ ही रहे हैं आप। बिल्कुल हाँ बिल्कुल बिल्कुल।